मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। मैं पिछले 18 साल से बीमार नहीं पड़ा, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आधी गोली भी नहीं खाई मैंने, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया। चिकनगुनिया पिछले साल भर से भारत में फैल रहा है, 70,000 मरीजों का मैं इलाज किया हूं, अभी तक मुझे चिकनगुनिया नहीं हुआ। कर्नाटक में मैंने किया, महाराष्ट्र में किया, गुजरात में, अब राजस्थान में भी किया। सब लोग मुझे यही पूछते हैं, आप कौन सी दवा खाते हैं, वही हमें बता दो। मैं उनसे कहता हूं, मैं दवाई नहीं खाता, लेकिन मैं आयुर्वेद के सभी नियमों का बहुत कट्टरता से पालन करता हूं। सवेरे उठने पर पानी नहीं मिला तो उतनी देर में टॉयलेट में नहीं जाता, मिलेगा पानी तभी जाऊंगा, और उठते ही पानी पीता हूं, मुंह भी नहीं धोता, दांत भी साफ नहीं करता, रात को दांत साफ करके सो जाता हूं। पानी कभी भी पीता हूं सिप करके पीता हूं, और ठंडा पानी बर्फ डाला हुआ कभी नहीं पीता। खाने के हमेशा 1-1.5 घंटे बाद पानी पीता हूं, कभी कभी 2 घंटे बाद भी पीता हूं। ये छोटे छोटे नियम का पालन मैं करता हूं, 18 साल से मैं स्वस्थ हूं, आप भी हो सकते हैं। मैं बस इतना ही है, यूरोप की नकल नहीं करता किसी का, अमेरिका की नकल नहीं करता। वो ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करूं, ये मैं कभी नहीं करता। पहले मैं बहुत सोचता हूं कि ये करना है नहीं करना है, अपने लिए काम का है नहीं काम का है, ये सब सोच विचार के अगर जीवन में आप फैसले लेना शुरू करें, मुझे नहीं लगता कि आप बीमार पड़ेंगे। बहुत लोगों को छोटी छोटी ये बातें हैं, आप बताएं, आप स्वयं करें, आप स्वस्थ हो जाएं, परिवार स्वस्थ हो जाए, जीवन आपका सुखी हो जाए। मानसिक बीमारियां अगर आपको हैं या जिंदगी भर उनसे बचना चाहते हैं, तो आयुर्वेद का एक छोटा नियम पालन करते रहिए कि रात को जब सोए तो सूर्य की दिशा में सिर रखिए, पूर्व दिशा में सिर करके सोइए, और कोई बहुत मजबूरी आ जाए तो दक्षिण दिशा में कर लीजिए, उत्तर और पश्चिम को हमेशा छोड़िए। सोने के लिए नहीं है ये उत्तर और पश्चिम की दिशा, पूजा करने के लिए है, अध्ययन करने के लिए है, सोने के लिए तो पूर्व और दक्षिण। जितने दिन आप पूर्व की तरफ सिर करके सोते रहेंगे, कभी भी आपको मानसिक बीमारियां नहीं आएंगी, और कम से कम नींद नहीं आने की जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगे। अभी छोटी सी बात है, हम कर सकते हैं, अपने घर के बेड की दिशा बदल दीजिए, आज ही चेंज कर लीजिए। अगर बेड आपका फिक्स है तो उसको आज चेंज कर लीजिए, नहीं तो जमीन पर सोए तो फ्लेक्सिबल है, जब चाहे दिशा बदल सकते हैं। और 2-3 छोटी छोटी बातें हैं कि आप कभी भी खाना खाएं तो यूरोप और अमेरिका की नकल करके मत खाइए, जैसे कुर्सी मेज पे बैठ के स्टैंडिंग पोजीशन में। आप कहीं जाते हैं शादी ब्याह बारात में, बफे सिस्टम है, तो पागल मत बनिए आप। आप अपना खाना थाली में निकालिए, कहीं आराम से कोने में बैठ के खाइए उसको। इसमें कोई हम छोटे होने वाले नहीं, हमको ये शर्म आती है कि सब खड़े होके खा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे तो हम उनको मूर्ख, मूर्ख तो वो है, आप कम से कम उन मूर्खों में इंटेलिजेंट रहिए। और कोई पूछेगा जी क्यों बैठ के खा रहे हो, तो उनसे कहो कि मेरे घुटने अभी काम करते हैं, कमर भी काम करती है, दोनों फ्लेक्सिबल है, हम बैठ सकते हैं, जब नहीं बैठ पाएंगे तब सोचेंगे खड़े खड़े खाएं। तो घर में डाइनिंग टेबल पे खाना ना खा के जमीन पे बैठ के खाएं। भारत में सबसे अच्छे खाने की पद्धति है सुखासन में बैठ के खाना, और खाने के बाद 10 मिनट कम से कम वज्रासन जरूर करें, दोपहर को हो या शाम को। और दोपहर के खाने के बाद 20 मिनट विश्राम करें, पहले 10 मिनट वज्रासन फिर 20 मिनट विश्राम। और रात को अगर खाना खाया तो 10 मिनट का वज्र सकते हैं, जब नहीं बैठ पाएंगे तब सोचेंगे खड़े खड़े खाएं। तो घर में डाइनिंग टेबल पे खाना ना खा के जमीन पे बैठ के खाएं। भारत में सबसे अच्छे खाने की पद्धति है सुखासन में बैठ के खाना, और खाने के बाद 10 मिनट कम से कम वज्रासन जरूर करें, दोपहर को हो या शाम को। और दोपहर के खाने के बाद 20 मिनट विश्राम करें, पहले 10 मिनट वज्रासन फिर 20 मिनट विश्राम। और रात को अगर खाना खाया तो 10 मिनट का वज्रासन करके टहलने को जरूर जाएं, कम से कम 500-700 कदम चलें, 1000 कदम चलेंगे तो बहुत अच्छा है। ये मुश्किल से 10-12 सूत्र मैंने आपको बताए हैं, यही जिंदगी भर आपको निरोगी बना देंगे, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वैसे तो कुल सूत्र 2000 से ज्यादा हैं, मैंने आपको 10-12 बताए हैं, क्योंकि ज्यादा बताऊं तो आपके दिमाग में बैठेंगे नहीं। सरल सरल सूत्र हैं, इनको आज से शुरू